गैर सवर्ण जजों की बेंच मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ठोका जुर्माना। माय लॉर्ड, ऐसा ही लग रहा है, एक बार में फिर योर लॉर्ड से प्रार्थना करना चाहता हूं। टू लाख माय लॉर्ड। न्यूट्रल बेंच की मांग पर भड़के मिलोड। समझ रहे हैं माय लॉर्ड, आप समझ रहे हैं माय लॉर्ड, मैं इतना समझ रहा हूं कि इस केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ माय लॉर्ड डिसाइड कर दिया जाए, इतना मेरी योर लॉर्ड से हम्बल प्रार्थना है माय लॉर्ड, इतनी मेरी प्रार्थना है। सुनवाई करने वाले जजों में एससी एसटी ओबीसी जजों की मांग पर हंगामा। भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से जब ये मांग की गई कि दलित आदिवासी और पिछड़ों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते वक्त न्यूट्रल यानी निष्पक्ष बेंच बनाई जाए तो जज साहब भड़क गए। एससी एसटी ओबीसी से जुड़े मामलों में ब्राह्मण और सवर्ण जज ना हो बल्कि उनकी सुनवाई को तटस्थ पीठ करे, ये मांग करना मध्य प्रदेश के लोकेंद्र गुज्जर को भारी पड़ गया। लोकेंद्र गुज्जर पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया है। पहले मीडिया में खबर आई कि न्यूट्रल बेंच की मांग करने वाले लोकेंद्र गुज्जर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन बाद में कोर्ट के ऑर्डर में 50,000 के जुर्माने की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जिसने ओबीसी और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दायर सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण में वृद्धि से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए ऐसे न्यायाधीशों के साथ विशेष तटस्थ पीठ के गठन की मांग की जो न तो ओबीसी से हैं और न ही अनारक्षित श्रेणी से। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने जुर्माना लगाते हुए कहा, हाई कोर्ट के अपेक्षित आदेश में हमें जो एकमात्र कमजोरी दिखती है वो ये है कि आईए दायर करने वाले वादी पर भारी जुर्माना नहीं लगाया गया। नंबर 1873/2023 में रिट याचिका पर अपनी इच्छानुसार एक पीठ के गठन की मांग की गई। गलत समझी गई इस विशेष अनुमति याचिका को याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए खारिज किया जाता है। जुर्माना राशि आज से एक महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के पास जमा की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद न्यायपालिका पर जातिवादी होने के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी जज नहीं है और सारे के सारे जज सिर्फ चंद जातियों के लोग ही क्यों हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने तो जजों के नार्को टेस्ट की मांग तक कर डाली। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को ये साबित करने के लिए नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट से गुजरना चाहिए कि वे जातिवादी या भेदभावपूर्ण नहीं है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने भी कोर्ट के इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिमाग खराब हो गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक अपील आती है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े केस में चूंकि ओबीसी और सवर्ण पार्टी यानी पक्ष है इसलिए मामले की सुनवाई निष्पक्ष बेंच करे जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जज हों। गौर करें कि याचिकाकर्ता लोकेंद्र सिंह गुज्जर ओबीसी है पर ओबीसी जज नहीं मांग रहे, निष्पक्ष बेंच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में ये तो था कि याचिका को खारिज कर देता, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुज्जर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है ताकि लोग आगे से कभी न्यायपालिका के जातिवाद पर बात न करें। कोर्ट भय को हथियार बना रहा है। यही कोर्ट प्रशांत भूषण पर सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाता है जबकि प्रशांत बाहर बयानबाजी कर रहे थे। ये जुर्माना गलत बात है और हम इस मामले में चीफ जस्टिस और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं, ये जुर्माना हटाया जाए। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाए। द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, न्यूट्रल बेंच की मांग करने वाले लोकेंद्र गुज्जर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए जुर्माने की निंदा की जानी चाहिए। क्या न्याय के सिद्धांत में सभी की भागीदारी और विविधता शामिल नहीं है? क्यों न्यायपालिका में सिर्फ चंद जातियों के जज ही भरे हुए हैं? क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी जज ना बराबर हैं? आप ना हमारे जज नियुक्त करेंगे और जब हम मांग करेंगे तो जुर्माना ठोक देंगे। वह न्याय की अलग ही परिभाषा गढ़ी जा रही है। वहीं याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुज्जर ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जुर्माना नहीं भरेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, घुटनों के बल जीने के बजाय मैं खड़ा होकर मरना पसंद करूंगा। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त होने वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में सिर्फ चंद जाति के जज ही शामिल हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर आरोप है कि वो जातिवादी नजरिए से एससी एसटी ओबीसी जजों को नियुक्त नहीं करता और सिर्फ अपनी जाति के लोगों को ही जज बनाता है। न्यूट्रल बेंच की मांग करने पर लगाए गए जुर्माने के बाद इसे न्यायपालिका में डायवर्सिटी की मांग करने वालों को डराने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।